को क्या कहती हूँ मैं, जो भला ना समझे बुरा ना समझे वो कलावती को कैसे समझेगा। ठीक ही तो कहती हूँ मैं। देखो ना, ना हाथ गंदे हुए ना किसी चाल का नामो निशान रहा, और चिड़िया भी उड़ गई। बेचारा मेरा भाव, मेरे भाव को तो यही नहीं पता कि उसकी ये बहन उससे कितना प्यार करती है। बेचारा, मेरे भाव का दिल टूट जाएगा। क्या करें? किसी ने ठीक ही कहा है कि हर जंग में कोई ना कोई जख्मी जरूर होता है, पर तू फिक्र मत कर भाव, क्योंकि ये ऐसी जंग है जहाँ जख्म भी मैं ही दूंगी और मरहम भी मैं ही लगाऊंगी, और उसके बाद सारा राजपाट मेरे कदमों में आ जाए। थम्बा कलावती, अपने जीत के सुरूर में इतनी मत खो जा, थोड़ा जब्त करके रखो उसे, कहीं इतने सारे लोगों में किसी को शक ना हो जाए। बस अब सीधी सादी बहन बनके भाव के कमरे में जाती हूँ। मेरा भाव, मेरे मन में जो अशांति थी ना, शांत हो गई है। ऐसे लगता है कि मेरी कश्ती को किनारा मिल गया हो। सुप्रिया नाम का किनारा। क्या कर? लेकर जाओ अंदर, बोलो। ला जाती नकु, मुझे माफ कर दे। सुना ना, ऐसे आदमी पे जान देनी चाहिए या धोखा? बोल, मैं गलत बोली? अरे, इतना बड़ा आदमी तेरे संग शादी के सपने देख रहा है, और तू इससे प्यार करती है? अरे, क्या नहीं किया सामने तुम्हारे लिए, और तूने बदले में क्या दिया? धोखा? कैसे नहीं उठेंगे उसके हाथ? हाँ, कैसे नहीं उठेंगे? और तू बॉडीगार्ड, तेरे को तो मैं मसाले की तरह पीस डालती। अगर सांप के दिल टूटने का डर नहीं होता मैं ये सब सिर्फ सांप के वास्ते कर रही है। आज मैं कुछ नहीं बोली तो सिर्फ सांप के वास्ते। बड़े दिनों के बाद सांप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। चिंता है मुझे उनकी। आज सांप के वास्ते ही झूठ बोली, उनकी खुशियों के लिए। पूरी रात नींद नहीं आई थी मुझे। नकु, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि
कि दत्ता जी इतने अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं जानती थी उनका दिल इतना साफ है। मैं तो न जाने कब कैसे इस रवि के प्यार में पड़ गई। प्यार? प्यार का मतलब समझती क्या? अगर इससे इतना ही प्यार था तो इधर चाहती नहीं। आते ही साहब को बोलती मैं इससे प्यार करती। मालूम साहब सच बोलने वालों की इज्जत करते। तुम दोनों की इधर शादी बनाते। पर अब तुम कुछ भी बोलो, साहब के साथ धोखा हुआ है। हाँ नक्को, तुम सच कह रही हो। हम दोनों से बहुत बड़ा पाप हुआ। हमें ये बात भाव से कभी नहीं छुपानी चाहिए थी। नक्को नक्को देख, हम जज्बात में फेंक गए थे। हमने किसी की परवाह ही नहीं की। ना दत्ता साहब के बारे में सोचा, ना अपने परिवार के बारे में। नको माफ कर दे, माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुप्रिया तो इस घर में भाव की अमानत थी, और मुझे इस अमानत की रक्षा करनी थी, और मैंने भाव की पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की। सब मेरी गलती। मैंने ही जल्दबाजी में ये सब तय किया। बस अब और नहीं। चलो सुप्रिया, अभी जाके भाव को सब सच बता देते। हाँ, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सच सच कह देंगे। उसके बाद भाव हमें जो भी सजा देंगे, हम दोनों हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लेंगे। तुझे मालूम है दर्द क्या है? मेरे अंदर का दर्द भूल गया मैं सब कुछ, प्यार मोहब्बत वो लड़की। मेरे मन में जो अशांति थी ना, शांत। ऐसे लगता है कि मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। सुप्रिया नाम का किनारा। मैं सुप्रिया के साथ अपने सारे दुख दर्द बांटूंगा। मैं सुप्रिया को अपना जीवन साथी जीऊंगा। चल हो गया। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। सुना, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे।
नहीं नकू, नकू रवि ठीक कह रहा है। देखो अब हमें जाना ही पड़ेगा। दत्ता साहब को सबको जाके बताना ही पड़ेगा हमें नकू। इसी में हमारी और मेरे आई बाबा की भलाई है। नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। साहब के जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। तुमको नहीं मालूम साहब ने प्यार के नाम पे कितना दर्द था। नहीं नकू, मत रोको हमें, हमें जाने दो। हाँ नकू, हमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की माफी तो हमें मांगनी होगी। मैं तो वैसे भी भाव से छुट्टी ले चुका, यहां से सीधा अपने घर चला जाऊंगा। मेरी आई बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए ये काम हमें अभी करना होगा। अब जो भी सजा होगी हम देख लेंगे नकू, बस हमें जाने दो। चलो सब। तुम अपनी गलती सच में सुधारना चाहते हो, उनसे शादी कर और उनसे एक नई शुरुआत कर, एक नई शुरुआत करोगी? बोलो। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बचा रही हूं। मैं इसलिए चुप बैठी हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि साहब को दर्द हो, तकलीफ हो, दुख हो। तू जाया से। जा, मुझे इससे कुछ बात करनी है।